अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं के न्यूज चैनल इंटरनेशनल। यूट्यूब पर हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और रहें दुनिया भर की खबरों से बाखबर। लिए चलते हैं आपको तानलियांवाला, जहां कैन कमिश्नर पंजाब मियां जमान बट्टू ने तानलियांवाला शुगर मिल यूनिट कंजवानी के गोदामों में पड़ी चीनी का स्टॉक सील करवा दिया। असिस्टेंट कमिश्नर तानलियांवाला नवान अली डोगर ने कैन कमिश्नर के अहकाम पर मिलकर गोदामों को ताहुक्मेसानी सील कर दिया। बिजनेस टाइकून हुमायूं अख्तर खान के कैन कमिश्नर पंजाब को संगीन नतीज की धमकियां, इस पर रिपोर्ट करेंगे हमारे नुमाइंदे अली हसन साबरी। जी साबरी साहब, बताइएगा। जी, माफिया ने हुकूमत वक्त को तो घुटने टेकने पर मजबूर और बेबस कर दिया, मगर ऐसे में दबंग कैन कमिश्नर पंजाब ने भी गन्ने के काश्तकारों का इस्तेहसाल किसी सूरत बर्दाश्त न करने की ठान ली। तानलियांवाला शुगर मिल्स यूनिट कंजवानी की तरफ से गन्ने के काश्तकारों को क्रशिंग सीजन के इख्तिताम के कई माह बाद भी मुतअद्दिद वादों और यकीन दहानियों के बावजूद रकूम की अदायगी न करने पर कैन कमिश्नर पंजाब मियां जमान बट्टू इन एक्शन। कैन कमिश्नर की हिदायत पर असिस्टेंट कमिश्नर तानलियांवाला नुमान अली डोगर ने तानलियांवाला शुगर मिल यूनिट कंजवानी को ताहुक्मेसानी सील कर दिया। वाज़े रहे कि गन्ने के काश्तकारों को रकूम की अदायगी क्रशिंग सीजन खत्म होने के कई माह बाद भी ना की गई, जिस पर ईद की खुशियों में शरीक ना हो सकने वाले काश्तकारों ने कैन कमिश्नर पंजाब को शिकायत गुजारी, तो कैन कमिश्नर पंजाब को मजबूरन ये कदम उठाना पड़ा। हमारे जराए के मुताबिक मिल सील होते ही बिजनेस टाइकोन और पीटीआई रहनुमा हुमायूं अख्तर खान का जाहो जलाल भी देखने में आया। कैन कमिश्नर पंजाब मियां जमान बट्टू को इंतजामिया के जरिए संगीन नताइज की धमकियां भी दे डाली। जी